जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो। गजल के दो मायने होते हैं, पहला गजल और दूसरा बेगम अख्तर। विख्यात गायिका बेगम अख्तर के लिए उर्दू के अजीम शायर कैफी आजमी की कही ये पंक्ति बिल्कुल सटीक बैठती है। 7 अक्टूबर 1914 को उत्तर प्रदेश राज्य के फैजाबाद में जन्मी बेगम अख्तर अपनी मखमली आवाज में गजल, ठुमरी, ठप्पा, दादरा और ख्याल पेश कर मशहूर होने वाली एक सदाबहार गायिका थी। उनकी याद में नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में शताब्दी स्मरणोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांस्कृतिक मंत्री श्रीपद नाइक ने शिरकत की। बेगम अख्तर जी की सेंचुरी हम यहाँ मना रहे हैं। एक साल भर पूरे कार्यक्रम का सिलसिला चलता रहेगा और इसका परिचय, ये जो गजल संगीत है उसका परिचय सभी दुनिया को, पूरे देश को देने के लिए, युवा कलाकारों को आगे आने के लिए ये हमारी कोशिश होगी। इस मौके पर 100 और 5 रुपए के स्मारक सिक्कों का सेट जारी किया गया। वहां आए कलाकारों ने उनकी गजलें गाकर उनको श्रद्धांजलि दी। इस वर्ष को स्मरणोत्सव वर्ष के रूप में मनाने के लिए संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया, जो वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों की रूपरेखा बना सके। ये कार्यक्रम 7 अक्टूबर 2014 से 7 अक्टूबर 2015 तक चलेंगे। गजल की मलिका कही जाने वाली बेगम अख्तर भले ही आज हमारे बीच जिंदा नहीं है, पर कहीं ना कहीं उनके द्वारा गाए हुए गजल, ठुमरी और दादरा लोगों के जहन में अभी भी जिंदा है। कैमरामैन अनिल के साथ संजीव टोकस, DD News, दिल्ली।